अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जीते पीर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद रहमतुल्लाह शाह कादरी उर्फ जीते पीर रहमतुल्लाह अलैह का ये 800 साल पहले के से हो रहा उर्स शरीफ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज हज़रत सैयद रहमतुल्लाह शाह कादरी उर्फ जीते पीर औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का आज उर्स शरीफ का ऐलान किया जा रहा है कि जो अमल में आ रहा है वो तारीख़ को मद्देनज़र रखते हुए जो तारीख़ पाया गया है 27 अप्रैल तारीख और 28 तारीख और 29 तारीख 2024 यानी शव्वाल के 17 शव्वाल को संदल शरीफ है इंग्लिश का, जो 27 अप्रैल तारीख को आता है बरोज़ हफ्ता यानी सनीचर के दिन सटरडे। दूसरा यानी शव्वाल के 18 तारीख को चिरागा हैं और इंग्लिश के हिसाब से 28 तारीख होता है बरोज़ इतवार यानी संडे के दिन। मीना बाज़ार और गुस्ल शरीफ 29 तारीख को है अप्रैल के और हमारे उर्दू के शव्वाल के 19 तारीख बरोज़ पीर यानी मंडे के दिन। तो आप भी आइए और अपने दोस्तों को भी लेके आइए, अपने दोस्तों अहबाब को भी लेके आइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आप जो भी दुआएं मुरादें लेके आएंगे तो इन वली के सदक़े से आपकी दुआएं कबूल होगी। कमेटी जनरल सेक्रेटरी साहब इनसे बात करते हैं और यहाँ के इंतज़ामिया के कमेटी के हेड है और सर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जीते पीर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद रहमतुल्लाह शाह कादरी उर्फ जीते पीर रहमतुल्लाह अलैह का ये 800 साल पहले के से हो रहा उर्स शरीफ। यहाँ पे शव्वाल के 17 को संदल शरीफ है, शव्वाल के 18 को चिराग और शव्वाल के 19 को मीना बाज़ार होता है। यहाँ पे हर स्टेट से लोग आते हैं और सब जने आके यहाँ पे फैस पाते हैं। इंतज़ाम बस का और क्या बोलते हैं सो पानी का, पुलिस का बंदोबस्त ये सब होता है और यहाँ पे और बड़े पैमाने में ये उर्स शरीफ होता है। यहाँ से एक 50-60 हज़ार पब्लिक आती है। यहाँ पे लंगर का सबका इंतज़ाम भी रखते हैं। यहाँ पे पानी बारिश के आए तो भी यहाँ पे रहने का इंतज़ाम भी है। चलिए माशाल्लाह। तो आप लोग देखिए यहाँ पे हर एक तरह की फैसिलिटी है, पुलिस का कोई मतलब गड़बड़ होने का चांस भी नहीं रहता और हर एक चीज़ का लंगर का पानी का इंतज़ाम, पानी आए तो सामने घर वगैरह भी है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हर एक लोग आते हैं और फैज पाते हैं। तो आप लोग भी आइए, अपने रिश्तेदार फैमिली दोस्त के साथ आइए। जो भी है दुनियादारी काम में हम अपने दोस्तों को बुलाते हैं तो दुनियादारी काम नहीं, ये दीन के काम है और ये अल्लाह के वली है, बहुत चहेते वली है और बहुत ऊँचे मकाम के वली हैं, क्योंकि हम खुद इस बात की शाहिद गवाह है कि हम जो भी दुआ लेके इस बारगाह में आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कबूल होती है, क्योंकि हम गुनहगार हैं खताकार हैं लेकिन ये अल्लाह के वली है। ये वो वली है जिसके पास आप आके दुआ करेंगे, अल्लाह मैं गुनहगार हूँ खताकार हूँ लेकिन तेरा ये नेक बंदा है, तेरा नेक एक चहेता बंदा है, तेरे इस बंदे के वसीले से मेरी दुआ को कबूल फरमा। तो अल्लाह तबारक व ताला हमारे गुनाह को ना देखे बल्कि इस बंदे के वसीले से हमारे दुआ को कबूल करते हैं। तो ये हमारे कमेटी अरकान थे, देख सकते हैं आप के हमारे जनाब अली साहब, सैयद फारूक साहब सदर साहब है, जनरल सेक्रेटरी हमारे सैयद सलीम साहब है और सदर साहब नायब सदर साहब हमारे सैयद अकबर साहब है और नायब सदर हमारे ख्वाजा पाशा साहब है। तो ये तमाम हमारे चांद पाशा साहब वो भी हमारे कमेटी मेंबर है और आप लोग इधर आ सकते हैं। कुछ भी इंतज़ाम या हर एक चीज़ कमेटी की तरफ से इंतज़ाम रहता है। तो आप लोग आइए, खुसूसन आके अपने दुआ को कबूल कराइए और डेट आप लोग एक बार सुन लिए। और उर्दू का शव्वाल 17 तारीख को संदल शरीफ है और 18 तारीख को संदल चिरागा है और 19 शव्वाल को ये क्या बोलते मीना बाज़ार है। तो आप लोग आइए और बड़े पैमाने के साथ आते हैं। मैं कुछ वीडियो कुछ फ़ोटोज़ पुराने साल के आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, देख ले सकते हैं आप लोग। तो आइए, ज़रूर ज़रूर आइए और यहाँ के हमारे सदर साहब का नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देते हैं, अगर आप लोगों को कोई परेशानी या प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो आप लोग कॉन्टैक्ट करके साथ ही साथ हल निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस का इंतज़ाम जो भी सिक्योरिटी इंतज़ाम है हर एक चीज़ का है। तो आप लोग बेफिक्र होकर आइए और अल्लाह के वली से फैज़ लूट के लेके जाइए।